राजस्थान के आदिवासी इलाकों में एक ऐसी बीमारी तेजी से फैल रही है जिससे लोगों की औसत उम्र आधी रह जाने का खतरा है। इस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। बांसवाड़ा जिले में इसके 692 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 9,57,000 कार्ड के माध्यम से स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें से 692 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं और विभिन्न एज ग्रुप के हैं। चिकित्सा विभाग के द्वारा उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही उनको इस प्रकार से अवगत किया जा रहा है कि जो शादीशुदा नहीं है उनको जागरूक किया जा रहा है कि भविष्य में जब उनकी शादी संबंधित अपने पार्टनर से होगी तो उनकी भी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाए, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ियों में जो बच्चे पैदा होंगे वह इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो एवं स्वस्थ जीवन जी सके। ये बीमारी रेड ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी है। इस बीमारी में खून में मौजूद हीमोग्लोबिन बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसे में शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता। ऐसे में शरीर के जिस हिस्से को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता वहां तेज दर्द होने लगता है। दूसरा, ये एक जेनेटिक बीमारी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। दैनिक भास्कर ने इस बीमारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर बजाखरा गांव में देखा कि एक परिवार में एक माता सहित 6 बच्चे सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं। हालांकि इनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन इनमें फूल भी कभी बनी रहती है। विभाग समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहा है और इनको जो उपचार के लायक जो दवाइयाँ होती है वो उपलब्ध करा रहा है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार भी कई कदम उठा रही है। मरीजों को 12,000 की फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। मेडिकल हिस्ट्री वाले मरीजों को कार्ड बांटे जा रहे हैं। साथ ही बीमारी से पीड़ित लोगों को ठीक नहीं होने तक शादी करने से रोका जा रहा है, ताकि ये बीमारी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर ना हो पाए। दैनिक भास्कर के लिए बांसवाड़ा से चिराग द्विवेदी की रिपोर्ट।